गजेंद्र सिंह जी, सतीश जी पूनिया, अन्य महानुभाव भेंट करें, विद्या जी अग्रवाल स्वयं भेंट करेंगे। माधव सेवा सम्मान के नाम का स्मृति चिन्ह शॉल चय। हमारी जोरदार तालियों से इस पुरस्कार की पुष्टि करें। आज का पूरा आयोजन मेरे जीवन में या पिछले 4 साल की यात्रा में बिल्कुल अलग है। मैं इसको कहां से शुरू करूं, इसलिए कि मंच पर भी न सिर्फ गेरुए वस्त्र में सन्यासी हैं, बल्कि ऐसे भी सन्यासी हैं जिनके वस्त्रों का रंग अलग है, लेकिन उनके काम सन्यासियों से भी बड़े हैं। बहुत कुछ मेरे बारे में कहा गया है, कभी कभी सुन के लगता है कि क्या मैं ऐसा हूं, क्या मैं ऐसा कुछ कर पा रहा हूं जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसके लिए मुझे सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन फिर इस बात की जरूर खुशी होती है कि सम्मानित कहां करा जा रहा है और कौन कर रहा है। तमाम मंच पे बैठे मेहमाने खुसूसी भारत की हुकूमत के वजीर, आपके शहर का जाना माना नाम शेखावत जी, महेश भाई, आपके शहर के सांसद नरेंद्र भाई खीचड़ जी, पूर्व कुलपति जोधपुर लोकेश शेखावत जी, पूर्व सांसद और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेश शर्मा जी, डॉक्टर दयाशंकर बावालिया जी, और जिनकी याद में ये सम्मान समारोह हो रहा है, जो यात्रा 1925 से शुरू हुई थी और हेडगेवार जी के बाद गुरु गोलवारकर जी ने उसको आगे बढ़ाया, और जो परिवार आज यहां मुझे यहां तक लाया है, उस परिवार के बड़े बेटे विपिन बिंदल जी को शायद मुझे लगता है यहां लोगों ने कहा कि पता नहीं पुष्पेन जी झुंझुनू तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लिहाजा कहा कि आप मुंबई से उनके साथ ही आए, ऐसा ना हो कि कहीं बीच में जयपुरी उतर जाए। वो विपुल भाई मेरे साथ
मुंबई से यहां तक और सीकर में रात में 11 बजे उनके भाई सचिन जी के यहां भोजन और सुबह से इस शहर के तमाम गणमान्य व्यक्ति चिंतक समाज से भी इतना कुछ मुझे झुंझुनू के बारे में बता चुके हैं कि मुझे लगता है कि मुझे झुंझुनू आने में देर हो गई है। अगर कई सारे विश्व रिकॉर्ड किसी एक जिले को दिए जा सकते हो तो जितनी भी बातें कही गई हैं, चाहे देश भर के जाने माने उद्योगपति हो, चाहे इस जिले में पढ़ाई लिखाई के लिए बनने वाले कॉलेजेस हो, और अगर पूरे देश में किसी को भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को समझना हो तो वो झुंझुनू आके समझे कि बेटी कैसे बचाई जाती है और कैसे पढ़ाई जाती है। मैं जब इस सभागार में आया था तो ये जो पूरी रो थी ये पूरी भरी हुई थी, और मैं ये इस सोच में था कि सिर्फ माएं और बहनें मुझे सुनना चाहती है, बाकी शायद लोग इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये कमिटमेंट है कि जितने लोगों से मेरी सुबह से मुलाकात हुई है ज्यादातर ने मुझसे एक बात जरूर कही है, या तो मेरी स्पीच उनकी पत्नी ने सुनी है या बेटी ने सुनी है और उसके बाद पिताजी ने सुनी है या पति ने सुनी है। तो मैं मानता हूं कि अगर मैं अपनी बात को कहने में अगर यहां तक सक्षम हूं कि घर के बबरची खाने में आपकी चर्चा होने लगे तो आप मान लीजिए कि राष्ट्र बदल रहा है। ख्वातीनों हजरात, तमाम बुजुर्ग, हम उम्र नौजवान साथियों, मेरी माएं बहनें, आपने इस मौके पे मुझे सम्मानित किया, मेरा मान बढ़ाया, मुझे ताकत दी और लगातार निरंतर जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसको और मजबूती से करूं, इस सब के लिए आप सबका धन्यवाद। सवाल आप जानते हैं मैं बहुत कोई स्ट्रक्चर कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूं, जो कुछ पिछले 25-30 साल से मैंने जिया है मैं उसको बिना किसी लाग लपेट के उस भाषा में जिस भाषा में भारत के लोग सुनना चाहते हैं मैं उसको कहने की कोशिश करता हूं। आज पूरा देश कई संकटों से जूझ रहा है और उस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है इस पे बहुत चर्चा करने में समय नष्ट नहीं जाया करना चाहता। मैं मानता हूं कि अगर आपको संकट समझ में आ गया है किसने यहां तक पहुंचाया है तो इस पे ज्यादा समय नष्ट न करें, बल्कि उस संकट के समाधान में जो कुछ आपको समझ में आ रहा है उसी दिन और उसी क्षण से शुरू कर दें। मैं 1947 से पीछे के इतिहास में बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन मंच पे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो संविधान की शपथ लिए हुए हैं, मेरी उनसे अनुरोध है कि मुझे
थोड़ी देर के लिए क्षमा करें, आप मुझे सुन चुके हैं। आज जो ज्यादातर संकट है वो हमने खुद पैदा किए हैं। राजनीति में सत्ता की प्राप्ति के लिए, सत्ता पे कैसे बैठा जाए, उस सत्ता के कैसे हत्याया जाए, इस हमारे एम्बिशन ने राष्ट्र को दांव पे लगा दिया है। न संविधान की किसी ने परवाह की, न कानून की परवाह की, और जितने भी इंस्टीट्यूशन बनाए उन सबको एक एक करके सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए ध्वस्त कर दिया गया। और ऐसे झूठे नारे और ऐसे झूठे नैरेटिव क्रिएट किए गए जो सत्ता तक तो पहुंचा सकते थे लेकिन राष्ट्र को मजबूत नहीं कर सकते थे। और यह सिलसिला 70 साल में पहली बार रुका नहीं है, थोड़ा थम गया है। इसलिए मैं अपने कोई नई इंटरप्रिटेशन, कोई नई रिसर्च मेरी तरफ से नहीं है। मुझे अफसोस यह है कि हमारे देश में राजनीतिक लोगों की बड़ी लिमिटेशन होती है उनकी, और ये लोकतंत्र की बड़ी, जहां लोकतंत्र बहुत अच्छा भी होता है, लोकतंत्र की बड़ी तारीफ भी की जाती है, तमाम उसकी अच्छाइयां गिराई जाती हैं, लेकिन उसी लोकतंत्र की एक बुराई भी है। क्योंकि जिन परिस्थितियों में दुनिया में डेमोक्रेसी आई वहां डेमोक्रेसी से पहले समाज को पूरे तौर पर शिक्षित किया गया, उनके अधिकार देने से पहले उनके दायित्व बताए गए। दुनिया में जितने भी देश बने हैं, चाहे वो आजाद हुए हों, चाहे किसी जंग से बाहर निकले हों, उन तमाम देशों के अंदर अगर आप देखेंगे कि जो राष्ट्र आजाद भी हुए लंबे लंबे समय के बाद, वहां शुरू के 10 साल तक राष्ट्र निर्माण का काम हुआ। लेकिन भारत एक ऐसा देश मुझे लगता है कि जब ये तथाकथित तौर पे, जब ये शब्द मैं कहता हूं कि भारत तथाकथित तौर पे आजाद हुआ है, तो नेशनल आर्काइव का कोई डॉक्यूमेंट ये नहीं कहता कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ये देश दो हिस्सों में बटा और उसको डोमिनियन स्टेटस का स्टेटस मिला, वो भी सर्टेन कंडीशंस के साथ। इसलिए सत्ता पे जो लोग आए, चुनाव होने से पहले, आजादी तथाकथित आजादी मिलने से पहले ही वो प्रधानमंत्री अपॉइंट हो गए, और जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक वो रहे। लिहाजा हमने जो संविधान बनाया, उस संविधान के प्रति जो लोग बनाने वाले थे उसमें से कुछ लोग उस संविधान के लिए लास्ट तक लड़े, लेकिन कुछ लोगों के लिए संविधान एक किताब था जिसका इस्तेमाल समय समय पर सत्ता पे बैठने के लिए, अगर संविधान आड़े आया तो उन्होंने संविधान को भी धक्का बता दिया। और एक नहीं, पहले दिन से इस सो कॉल्ड आजादी के बाद से, मुझे नहीं लगता कि जितनी घटनाओं का जिक्र मैं आपके साथ करूंगा उसमें से कोई दिन खाली गया हो जब हमने बहुत सोच समझ करके, उस दौर में भी ऐसे राष्ट्रवादी लोग थे, उस दौर में भी ऐसे लोग थे जो इन चीजों को समझ रहे थे, लेकिन उनकी गिनती कम थी, उनकी ताकत कम थी, लेकिन कैसे उन्होंने उन हालात के अंदर भी अपनी बात को मनवाने के लिए काम किए,
लेकिन जैसे जैसे वो उस पटल से हंसते गए, आपने संविधान के अंदर, शेखावत जी आप भारत सरकार के मंत्री हैं और एक ऐसे मंत्री हैं जिनको लोग मंत्री कम समझते हैं, उनकी आपकी जाती शख्सियत ऐसी है कि लोग उससे ज्यादा मुतासर हैं मंत्री किससे ज्यादा। मेरी आपके सामने विनती है कि ये जरूर पता लगाएं, और उस पता लगे ना लगे कम से कम, मैं 2 साल से एक बात को सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूं, अभी भारत के लॉ मिनिस्टर ने कल ही एक जगह बयान दिया है, ये बात इसलिए उठनी चाहिए कि ये 70 साल का सफर जो इस देश ने तय किया है, ये देश दिखाई देता है लेकिन राष्ट्र दिखाई नहीं देता। और इस 70 सालों में क्या क्या किया आपने, जिस संविधान की दुहाई दी जाती है, जिस संविधान के ऊपर डिस्कशन होता है, जिस संविधान को इस देश में हर बात पे कोट किया जाता है, उसी संविधान में उसकी ओरिजिनल कॉपी अगर ना देखी हो किसी ने, तो उस ओरिजिनल कॉपी का रेप्लिका देखिए। उस वक्त के जो नेता थे वो कितनी जल्दबाजी में थे, और जो उस वक्त के राष्ट्रवादी लोग भी थे उनसे उनको कितनी दिली तौर पर उलझन थी कि भारत का संविधान जो लिखा गया है, जिसपे ओरिजिनल कॉपी है शेखावत जी, उसमें सिग्नेचर हो रहे हैं, उस सिग्नेचर की लिस्ट अगर आप उठा के देखें, ओरिजिनल कॉपी की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ बना, तो जो उसमें ऑर्डर है कमाल देखिए कि उस वक्त के प्रधानमंत्री को इतनी जल्दी थी कि पहला साइन उनका होना चाहिए, राष्ट्रपति का साइन नहीं हुआ, पहले जवाहरलाल नेहरू का साइन हुआ, लेकिन जब साइन होने के बाद कॉपी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंची तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऊपर उनके साइन कोने में अपने साइन किए। ये बात लोगों को छोटी लग सकती है लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान पे सिग्नेचर राष्ट्रपति के पहले होने चाहिए थे या प्रधानमंत्री के पहले होने चाहिए थे, और वो उसी अंदाज में लिखे हुए हैं, जो 1-2-3 का ऑर्डर है वो नीचे है लेकिन राष्ट्रपति ने उसके ऊपर साइन किए जाकर। और जब ये संविधान पूरा बन गया तो चर्चा ये हुई कि क्या ये भारत का संविधान, अगर इस पे भारत न लिखा हो तो कैसे एक आदमी इस संविधान उसके हाथ में जब आए और जब वो इसका पहला पन्ना खोले तो कैसे लगे कि ये भारत का संविधान है। बड़े जहीन लोग थे, बड़े समझदार लोग थे, जो लोग अपने आप को कहते थे कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, उनकी कोशिश कुछ भी रही हो, उस वक्त के लोगों ने कहा कि ये जो संविधान लिखा गया है, ये जो प्रीएम्बल लिखा गया है, उसके बाद के जो पन्ने हैं उसमें काफी सारी जगह ऊपर छोड़ी हुई है, काफी सारी जगह नीचे छोड़ी हुई है, इसमें हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो भारत का समाज कल्चर और भारत की 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति इसमें दिखाई दे। जब ये आइडिया आया तो आप भारत के ओरिजिनल संविधान की जब पहला पन्ना पलटते हैं तो उसके ऊपर भगवान रामचंद्र जी, माता सीता और हनुमान और लक्ष्मण की तस्वीर लगी हुई है, उसमें शिवाजी की तस्वीर है,
उसमें कृष्ण की तस्वीर है। हमारे देश में घोटालों की बहुत जांच हो रही है, होनी चाहिए, लगातार होती रहनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने इतिहास में भारत के संविधान के साथ घोटाला किया है उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। और इस सरकार को, क्योंकि राष्ट्रवादी सरकारें यह एक खास नैरेटिव सोच के सरकारें जब भी सत्ता के पास पहुंचती हैं तो एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है इस देश में कि देखिए ये नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग सत्ता पे आ गए, ये संविधान को बदल देंगे। ये बहुत चर्चा होती है, इन्हें डराया जाता है। ये बात अलग है कि पहले ये कुछ कुछ डरा करते थे, 2014 में इन्होंने ही सबको डरा दिया है। लिहाजा भारत सरकार के मंत्री यहां बैठे हैं, संघ के तमाम बड़े लोग जिनसे आज सुबह सुबह मेरी मुलाकात हुई है, और आप तमाम सारे लोग बहुत सारी चीजों के लिए राजनीतिक लोगों से आप लड़ते हैं, उनको घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी काम कीजिए कि हम जब जाएं तो हमारे जाने के बाद जो हमारी अगली जनरेशन है वो कम से कम ये कहे कि इस झूठ में हमारे माता पिता शामिल नहीं थे और वो कुछ करके गए, वो हमको कम से कम कुछ तो सच बता के गए। लिहाजा मैं नहीं जानता कि भारत के ओरिजिनल संविधान में से वो तमाम महापुरुषों की तस्वीरें, वो संविधान कब जो मार्केट में आया, जिसकी हर साल एक कॉपी छपती है, जो जारी होती है, उसमें से वो तमाम भारत की संस्कृति के तमाम योद्धाओं की तस्वीरें कब गायब हुई, कैसे गायब हुई, उसकी इंक्वायरी तो करें। लेकिन ये सरकार कम से कम एक काम जरूर करे, उस ओरिजिनल जो संविधान की कॉपी रखी हुई है, आर्काइव में भी है और लोकसभा में भी है, सरकारी तौर पर उसकी लाखों कॉपी छपवाए और इस देश के लोगों से कहे कि आप उसे खरीद सकते हैं। हर आदमी को पता होना चाहिए कि संविधान में जिन लोगों ने यह विचार दिया था वो क्यों दिया था, और जिन लोगों ने विचार हटाया था वो क्यों हटाया था। कोई कारण नहीं है कि इतनी पुरानी संस्कृति जिसने पूरी दुनिया में एक भी गोली चलाए, एक भी तलवार चलाए, पूरी दुनिया में अपनी ज्ञान का विज्ञान का लोहा मनवाया, आज वो सनातन संस्कृति बौनों के, लुटेरों के, बलात्कारियों के डर से बोलती नहीं है। एक ऐसी सभ्यता जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है, एक ऐसा धर्म जिसने कभी भी किसी भी कम समय भी कैसे भी संकट आए लेकिन हथियार नहीं उठाया। आज जो आप कन्वर्जन देखते हैं, आज जो छोटी छोटी बातें कही जाती हैं, आज आपको छोटे छोटे मुद्दों से डराया जाता है, यह दुर्भाग्य है। जो दूसरे लोग हैं जो डरा रहे हैं आपको, जो घड़ी घड़ी चैलेंज देते हैं, आज इस देश की व्यवस्था, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सरकारें हो, कुछ बौने लोगों के सामने इतना डरती हैं कि सच बात नहीं कह पाती है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, राजनीतिक दल बनेंगे, बिगड़ेंगे, उसमें कुछ एडिशन होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, लेकिन ये समाज परमानेंट है। ये समाज बदलेगा तो सत्ता पे वही पहुंचेगा जिसे आप चाहते हैं। ये नैरेटिव गलत है कि जो सत्ता पे बैठेगा वो तय करेगा कि समाज कैसा होगा। ये उल्टी कहानी 70 साल से चल रही थी।
इसलिए अजीब और गरीब किस्म के फैसले हुए इस मुल्क में। एक ही सरकार आई, कुछ ने तय किया कि दूरदर्शन पे सत्यम शिवम सुंदरम उसका लोगो बनेगा। उसी विचारधारा के दूसरे लोग आए और उनको लगा कि अब सत्यम शिवम सुंदरम लिखने से एक खास वोट नहीं मिलेगा। तो जिस कारण से वो लाया गया था वो राष्ट्र को ध्यान में रख के लाया गया, लेकिन आप देखिए कि सत्ता की लालसा और अपने उस दल को किसी भी तरीके से एम कैन प्रकरण से वोट मिलता रहे, आपने दूरदर्शन से सत्यम शिवम उतार दिया। और यह सिलसिला रुका नहीं है, ऐसी हजारों घटना बता सकता हूं। लेकिन आज की न्याय व्यवस्था भी विचित्र है। आपके शहर में मैं नहीं जानता कि कोई केंद्रीय विद्यालय है या नहीं है। मुझे बताया गया कि आपके यहां तो सरकारें 70 साल में 15 साल पहले आई हैं। आपने तो इतने कॉलेज, इतने यहां कार्यक्रम और चीजें की हैं, ना तो सत्ता से आपने जमीन ली है और ना पैसे लिए हैं, बल्कि आपने तो कॉलेजेस बना के सत्ता को दिए हैं। ये अद्भुत राज्य, ये अद्भुत प्रदेश है, ये अद्भुत जिला है। लिहाजा आज की स्थिति पे अगर कोई जिम्मेदार है तो हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने एक नैरेटिव गढ़ा, ये बहुत अच्छा लगता है, और अच्छी अच्छी बातें कहने से सत्ता बच सकती है, राष्ट्र नहीं बच सकता है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे किसी सत्ता को, किसी पार्टी को, किसी विचारधारा को कोई फायदा या नुकसान हो। मेरी सारी बात, सारी मंशा, सारी ताकत इस बात में है कि सत्ता बचे न बचे राष्ट्र बचना चाहिए। ये राष्ट्र है क्या? ये कोई बाउंड्री है जिसकी सेना रक्षा कर रही है? ये राष्ट्र है जिसमें क्या सड़कें बन रही हैं? राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। हम क्या थे, यहां तक क्यों पहुंचे, क्या कारण थे, क्या पूर्वजों से गलती हुई? कुछ तो गलती रही होगी, कुछ तो कमजोरियां आई होंगी कि 5000 साल के बाद 1000 साल का कालखंड ऐसा रहा कि जो यहां से गए, जिन्होंने आपकी ताकत को अपनी लैंग्वेज में बदला, उसको स्थापित किया और आपको ट्रांसलेट करके भेज दिया, और बौने उठाई गिरे चोर लफंगे लुच्चों ने आपके ऊपर सत्ता स्थापित की और आप लगातार उनके गुलाम रहे। कोई तो कोई कमी आई होगी आपके अंदर। अगर ये कमी हमें पता चल गई है तो हमको पहले दिन से उसको दूर करना है। कोई दुश्मन आपका जिम्मेदार नहीं है, और दुश्मन वही काम करेगा जिसके तो वो दुश्मन कहलाता है। हमने बहुत सारे इस सफर में ऐसे काम किए कि हमने झूठ को गढ़ा और हमें किसी से सर्टिफिकेट मिल जाए, कोई हमें महान होने का सर्टिफिकेट दे दे, कोई हमें सेकुलर होने का सर्टिफिकेट दे दे। इस सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में आप इतनी दूर तक निकल गए कि आपने संवैधानिक तौर पे जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सिर्फ छोड़ते जा रहे हैं। अपनी पहचान की कंप्रोमाइज इतनी दूर तक आप कर रहे हैं कि इस देश में 5 अगस्त को एक फैसला होता है जो पूरे तौर से एक फैसला भारत के अंदरूनी मामला था। उस फैसले में न दुनिया का कोई लेना देना था, न इस बाहर की दुनिया से उसकी कोई हमें परमिशन लेनी थी। लेकिन आज पता चलता है कि जिन लोगों ने भी बड़ी सोच करके संवैधानिक तौर पर ये कुकर्म किए थे वो बहुत ही समझदार लोग थे, जानते थे
कि सब कुछ हो सकता है लेकिन इनको ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए कश्मीर के मामले को आप सबने देखा, कश्मीर का सिर्फ इतना ही मामला नहीं है कि वहां दो धाराएं हट गई। कश्मीर में 70 साल में सरकार क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, संविधान की उसने शपथ ली हुई है, वो बहुत कुछ बातें जानने के बावजूद भी समाज में नहीं कह सकती। मुझे इस पूरे 4 साल के सफर में इस बात की खुशी है कि जिस समस्या को यह कह के बताया गया कि अगर इसको छुआ तो देश में आग लग जाएगी, यह देश टूट सकता है, और कुछ तो ऐसे लोग हैं, उनका एक गिरोह है, उसमें सेना के लोग भी हैं, वायु सेना के भी लोग हैं, उसमें अल्ट्रा सेकुलर भी हैं, उसमें रॉ के भी लोग हैं, उसमें पुलिस के भी लोग हैं, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं कि धारा 370 और 35 ए को गलत हटाया गया है। आज भी 60 लोगों ने पीआईएल दाखिल की है। मैं नहीं जानता कि आप उसमें से कितने लोगों को जानते हैं। उनका धारा 370 और 35 ए हटने से कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। 70 साल में जिन लोगों ने इस व्यवस्था को खड़ा किया, उस कश्मीर को आजाद भारत, इस लोकतांत्रिक भारत के अंदर, इस रिपब्लिक भारत के अंदर, जिस बुनियादों पर यह मुल्क बटा था, कहा कि यह टू नेशन थ्योरी जिना की है, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, दोनों की सोच अलग है, दोनों का कल्चर अलग है, लिहाजा यह मुल्क बटना चाहिए, मुल्क बना, चलिए बन गया, उसकी बाउंड्री बन गई, उसकी फौज खड़ी हुई। लेकिन वो लोग भी जिन्होंने संवैधानिक तौर पर भारत की धरती पर संविधान, इस देश की व्यवस्था को इस्तेमाल करते हुए आजाद भारत में एक राज ऐसा बनाया जो भारत की धरती के ऊपर इस्लामिक राज बन गया। उसका संविधान भी अलग था, उस संविधान को कभी ना पढ़ाया गया ना बताया गया, और राजनीतिक लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देना मैं समझता हूं गलत बात है। ये तो वो वाइब्रेंट समाज है कि हमारे यहां तो हर छोटी छोटी सी बात पर चर्चा होती है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा समाज है कि आप इस धर्म के मानने वालों के जो भी उनकी किताबें हैं, 1000 साल पहले भी और आज भी उनके ऊपर खुलेआम डिबेट हो सकती है, शास्त्रार्थ हो सकता है, जो सही होता है उसकी बात आज भी मान ली जाती है। लेकिन आपसे चर्चा कौन कर रहा है, आपको बाध्य कौन कर रहा है, जिनकी किताब के बारे में एक लफ्ज कहने से देश में आग लग जाती है, जो सवाल ही नहीं उठाना चाहते। अगर कोई जेन्युइन सवाल भी आप पूछे तो सर कलम करने का फतवा जारी हो जाता है। आज वो लोग कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और हम जिस निजाम की स्थापना करना चाहते थे जम्मू कश्मीर में, उस 70 साल में हमने उस निजाम को कम से कम, मैंने बड़े नजदीक से देखा है, आजादी की लड़ाई शुरू हुई कि हमें जम्मू कश्मीर में कुछ ज्यादा अधिकार चाहिए, हमें वही इंसानियत चाहिए, वही जमहूरियत चाहिए और वही हमको कश्मीरियत भी चाहिए। यह नारा सुनते सुनते मेरा पूरा पत्रकारिता का जीवन समाप्त हो गया। लेकिन किसी फोरम पर यह चर्चा नहीं हुई कि जिस प्रदेश में 7% लोग, 7% लोग 15% इलाके में रहते हो, सारी सत्ता उनके पास हो, 93% पॉपुलेशन पे उनका राज चलता हो, उनके बनाए एंटी इंडिया एंटी हिंदू कानून चलते हो, सबसे ज्यादा ऐसे कानून जहां के भारत की सरकार
भारत की पार्लियामेंट, भारत की जुडिशरी और भारत सरकार के बनाए कई सौ नियम लागू न होते हो, वो 7% लोगों को ही जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत चाहिए थी। और ये अजीब और गरीब कश्मीरियत थी और इंसानियत थी कि इस जमहूरियत और इंसानियत ने, जिसका राग अलापा गया 70 सालों में, आज भी कुछ लोग अलापते हैं। 70 सालों में किसी एक पॉपुलेशन के हिसाब से अगर राज्य की तुलना करें तो 41,750 लोग मारे गए, सबसे ज्यादा सेना के लोग वहां मारे गए। और यह भी दुख नहीं है कि सेना वहां बॉर्डर पे मारी जाती तो समझ में आता है कि इस राजस्थान ने, इस झुंझुनू के लोगों ने, जहां मुझे बताया गया कि सबसे ज्यादा लोग यहां से सेना में भर्ती होते हैं, सबसे ज्यादा रिटायर्ड सैनिक यहां रहते हैं, किसी ने भी हिसाब नहीं मांगा कि जिस बेटे को हमने साबूत दिया था बदले में इस तिरंगे में, उसका साबूत शरीर भी नहीं आया। ये किसकी गोली से मरा है? ये दुश्मन की गोली से मरता तो यहां की मां बहनों का सम्मान होता, उनको भी लगता। लेकिन दुख यह है कि जिस बेटे को भारत की रक्षा के लिए भेजा गया, इस देश के लोगों ने उनको मारा। और मारने वालों को जमहूरियत चाहिए, कश्मीरियत चाहिए और इंसानियत चाहिए। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा राज था, उस राज में इस देश की बहुसंख्यक समाज, उस राज के मूल निवासी कश्यप ऋषि के वंशज, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि कुछ लोग जो एक राज्य में मेजॉरिटी में थे, आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे उन्होंने 70 साल के अंदर दिल्ली में सरकारों को घुटनों के बल रखा। जो फैसला चाहते थे वो फैसला दिल्ली से होता था। कि आप देखिए कि उन्होंने, कोई 1990 बहुत पुरानी बात नहीं है, हमने कुछ चीजों को खामोशी से होने दिया। और ये जो सेकुलरिज्म का बुखार, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड जो भारत के संविधान में 1976 में डाला गया, इसका सारा ठेका इस देश के सनातनियों के सर पर है। आपको सेकुलर रहना है लेकिन बाकियों को जिहादी रहना है। उनका जिहाद जायज है लेकिन आपको सेकुलरिज्म से नहीं हटना है। और ये सेकुलरिज्म क्या है? ये अजीबोगरीब किस्म का सेकुलरिज्म है। इस सेकुलरिज्म के माध्यम से मालदा में लोग, एक पूरी भीड़ कुछ लोगों को जिंदा जला दे तो आपकी प्रतिक्रिया सेकुलरिज्म के खिलाफ है। गुजरात में एक बड़ी पार्टी जो कई लंबे समय से सत्ता में रही है, उस पार्टी का वर्तमान मुंशी जो गुजरात से आता है, उन्होंने अपनी राजनीति के लिए जो भी कुछ गढ़ा कि 56 कार सेवकों को गोधरा में जला दिया जाए, उसकी प्रतिक्रिया होगी तो कमनल है, लेकिन कोई ये नहीं पूछना चाहता कि एक्शन कहां से हुआ है। और ये घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरठ हो, मलियाना हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, अलीगढ़ हो, मैं नहीं समझता कि जिस सूबे से मैं आया हूं उस सूबे का कोई जिला ऐसा रहा हो जहां पे एक तरफा मारपीट न हुई हो। हमारे देश में 1984 से पहले जो हालात थे, पंजाब में जो कुछ हुआ, उसकी प्रतिक्रिया में अगर पंजाब में कुछ हो गया तो इस देश का बुद्धिजीवी समाज, दानिश्वर लोग, इस देश के बड़े बड़े पत्रकार, इस देश में नैरेटिव सेट करने वाले बड़े बड़े लोगों ने कभी यह नहीं पूछा कि 1984 में जो कुछ हुआ
वो इंडिविजुअल एक्ट भी तो हो सकता है, लेकिन पूरे देश को यह बताया गया कि पंजाब में खालिस्तान बनाने के लिए सिख आतंकवाद है। मैं ये पैरेलल इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर ये देश सेकुलर है और कहा जाता है कि संविधान में लिखा गया है, तो ये कैसा सेकुलर देश है कि इसी सेकुलर देश के अंदर जिसमें सबके राइट बराबर हैं, किसी को उसकी धर्म पहचान के नाम पर उसके साथ भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन इसी सेकुलरिज्म के अंदर एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भी है, फिर माइनॉरिटी शब्द का इजाद क्यों किया गया? अगर यह सेकुलर था, अगर यह हिंदू राष्ट्र होता तो शायद समझ में आता कि लोग कहते कि माइनॉरिटी के राइट के लिए आपको एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनानी चाहिए, माइनॉरिटियों के अधिकारों के लिए कुछ अलग से करना चाहिए। या तो यह सेकुलर नहीं है या सेकुलर का फ्रॉड है, और उस सेकुलर के फ्रॉड के अंदर इस देश की माइनॉरिटी के नाम पे जो भी कुछ पिछले 70 सालों में हुआ है वो ऐसा आपने कर दिया है कि आप सच बात को सच नहीं कह पाते। और जो बात मैं कह रहा हूं उसको तथ्यों पर मैं आपसे साबित करना चाहता। इसी देश की जुडिशरी बहुत चिंतित है बहुत सारे मामलात के लिए, अजीबोगरीब है मामला। और जो पार्टियां भगवान रामचंद्र जी के ऊपर सवाल उठाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती हैं कि रामचंद्र जी तो काल्पनिक थे, तो रामलीला मैदान में क्या करने गए थे? अभी क्या करने गई थी वो मोहतरमा और साथ में रोबोट जो गए थे उनके? लेकिन मैं जुडिशरी की कमाल की बात देखी, दशहरा हो गया, 5 दिन छुट्टी मनाई सुप्रीम कोर्ट ने, दीपावली आने वाली है, 5 दिन उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगी, और कुछ दिन के बाद जब खुलेगी तो कहेंगे भगवान रामचंद्र जी थे या नहीं थे, इस पर बहस शुरू करो, ये पाखंड झूठ है कि नहीं, ये जजेस साहिबान पूछे कि ये 5 दिन हमने दशहरे की छुट्टी क्यों मनाई थी, ये रामनवमी की छुट्टी क्यों मनाई थी, ये दीपावली की छुट्टी क्यों ली थी, और अगर वो ली थी तो कम से कम कोर्ट जब खुले तो भगवान रामचंद्र जी थे या नहीं थे इस पे बहस करना बंद करो। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, एक बड़े सुपरस्टार जॉब नहीं है उनकी श्रीमती ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल डाली और कहा कि ये जो लाउड स्पीकर के ऊपर अजान होती है इससे 4 बजे के आसपास जब फजर की नमाज होती है बहुत सारे बच्चे जो कॉल सेंटर में काम करते हैं वो रात में आते हैं सो नहीं पाते, और क्योंकि 7-8 मस्जिदें एक साथ हैं एक में अजान बंद होती है दूसरे में शुरू हो जाती है, जस्टिस तहलियानी ने 2 घंटे बाद एक ऑर्डर पास किया और कहा कि पूरे महाराष्ट्र से चाहे वो मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो चाहे मस्जिद हो वहां से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है उस ऑर्डर को दिए कोई साल भर हो गया, जिस महिला ने यह पीआईएल डाली थी एक दिन वो महिला इसी ऑर्डर को लेकर के बॉम्बे में थाने नाम की जगह है वहां के एक पुलिस स्टेशन गई, बड़ी सम्मानित महिला है उनका बड़ा रसूख भी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि कुछ लोगों से पुलिस डरेगी और कुछ लोगों जो लोग नहीं डरेंगे उनको पुलिस डराती है। उस पुलिस थाने के एसएचओ ने उस महिला के पैर पकड़ लिए और कहा बहन जी आपको निजी तौर पे कोई प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ये ऑर्डर अगर मैंने लागू करने की कोशिश की मैं तो रहूंगा नहीं लेकिन पूरे मुंबई में आग लग जाएगी। ये आपके देश की पुलिस की स्थिति बनी हुई है।
और एक महिला के कहने से सुप्रीम कोर्ट को 1000 साल पुरानी परंपरा जो हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने, सनातन धर्म के मानने वालों ने उस परंपरा का निर्माण एक लंबे समय के बाद किया, मैं शबरीमला की बात करूं, उस पर PIN डालने वाली महिला भी उस धर्म की नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई की और डे टू डे बेसिस पर शबरीमला के अंदर भगवान अय्यप्पा की 1000 साल पुरानी परंपरा को तहस नहस कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को वहां जेंडर जस्टिस चाहिए था। लेकिन दिल्ली में एक आम साधारण सा व्यक्ति, उसने भी सुप्रीम कोर्ट में PIN लगाई। उसने कहा, माय लॉर्ड, मैं चाहता हूं कि जो शबरीमला में अय्यप्पा के मंदिर में जेंडर जस्टिस आपने किया है, मैं चाहता हूं कि वो मस्जिदों में भी लागू हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लाइन कहकर के उसकी पिटीशन खारिज की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यू आर नॉट द पार्टी, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन इट, रिजेक्ट। अगर शबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस है तो मस्जिद में भी होना चाहिए कि मर्द और औरत एक साथ नमाज पढ़ें। यह नहीं होगा कि आप मेजोरिटी में हैं तो जब भी आप कोई ऐसी बात उठाएंगे तो लोग आपसे कहेंगे, नहीं, आप मेजोरिटी में हैं, आप लोगों को नहीं उठाना चाहिए। यह जो गलत फहमी है कि आप मेजोरिटी में हैं, नंबर आपके ज्यादा हो सकते हैं, गिनती आपकी ज्यादा हो सकती है, लेकिन यह दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहां की मेजोरिटी बिना लड़े इस जो भी इस संस्थान बने हुए हैं इस लोकतंत्र के अंदर, उसके अंदर एक मांग कर रही है। मैंने यह मांग दुनिया में किसी मेजोरिटी देश में नहीं सुनी कि मेजोरिटी यह मांग करे। हमारे यहां मेजोरिटी कह रही है कि हमें संविधान के तहत समान नागरिक अधिकार चाहिए, लेकिन इस देश में माइनॉरिटी के नाम पे सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी का डर और वोट बैंक की लालसा ने सत्ताओं को इतना बौना बना दिया है कि वो माइनॉरिटी कहती है कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो बने रहने में ही उनका ज्यादा फायदा है। सुप्रीम कोर्ट को दही हांडी की लंबाई नापने का समय है, महाकाल में पानी चढ़ाने का समय है, कौन से फ्लोर पे कबूतर का घोंसला लगना चाहिए, कौन से पे नहीं लगना चाहिए, इसके लिए समय है। इसलिए मैंने कहा कि अभी लड़ाई जिसको लोग ये समझ रहे हैं कि 6 अगस्त 2019 को इतना जरूर हुआ है कि अगर मैं उसे अपनी भाषा में इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ये जो खूबसूरत शब्द और शब्दों के ऊपर इतना ज्यादा खिलाफ, इतना ज्यादा कवरिंग करके बोलने का मुझे शौक नहीं है कि मैं बेसिकली सेकुलर हूं ही नहीं। मुझे लगता है जिस भाषा में राष्ट्र समझ सकता है, मैं किसी संवैधानिक पद पर नहीं, उसने मेरी वो चिंता नहीं है। आपने पहली बार ये जो 6 अगस्त की घटना है, जो लोग इस घटना को कुछ आर्टिकल जो लगे हुए थे उसमें एक पूरे तौर पे नाजायज था और एक को नाजायज तरीके से रखा हुआ था, इसके हटने भर से क्या हुआ है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो तमाम सारे लोग जो आज हाथ में मोबाइल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैं उनको सबसे ज्यादा ताकतवर राष्ट्रवादी मानता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि आज का युवा जो है उसे राष्ट्र के बारे में कुछ मतलब नहीं है, वो मोमोज खाता है, वो मैगी खाता है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, कुछ करता नहीं है, माफ कीजिएगा, 70 साल इस देश के बच्चों ने बहुत कुछ कर लिया।
अब ऐसा भी कुछ एकाध वक्त आ जाए कुछ ना भी करें, लेकिन कम से कम जो ये काम कर रहे हैं ये किसी पार्टी की सरकार बना रहे हैं बिगाड़ रहे हैं ये काम नहीं कर रहे। ये सच को सच कहने की हिम्मत इसी जनरेशन में है। इनके ऊपर इतिहास का सेकुलरिज्म का लवादा इनके पीठ पे नहीं रखा हुआ है। इनको इसकी चिंता नहीं है कि कौन नाराज होगा कौन नाराज नहीं होगा। कम से कम ये इस उम्र में भी ईमानदार हैं कि इनके साथी इनके दोस्त इनसे आगे आने वाले लोग इनसे ये नहीं कहेंगे कि तुमको जब सच पता था तो सच तुमने बताया क्यों नहीं। लेकिन सच बड़ा कड़वा होता है और सच के साथ में एक बड़ी महत्व आती है कि वो उभरता जरूर है। उसको 70 साल तो लग सकते हैं लेकिन 700 साल नहीं लगेंगे। लिहाजा जिन दो धाराओं को हटाया गया है, अगर आप मुझसे ये पूछते हैं और जो लोग इसको सिर्फ सत्ता और व्यवस्था तक रखना चाहते हैं, मैं ये मानता हूं कि भारत में सिंध में एक राजा हुआ था उसका नाम था राजा ताहिर सेन। वो हिंदू राजा था। मैं ये कंपैरिजन सिर्फ इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि अगर इस बीच में कोई घटना ऐसी मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। जिस राष्ट्र के लोगों ने जिनके डीएनए ने अपने इसी आदर्श वाक्य के चलते अपनी इस परंपरा के चलते 1000 साल तक गुलामी इसलिए करने पर मजबूर हुए, कि उनके डीएनए ने कभी यह नहीं कहा कि हथियार उठाना। राजा दाहिर सेन के बारे में देश को नहीं बताया गया। ये इसलिए बताना जरूरी है कि बहुत लोग आपसे सवाल करते हैं, आप उनका पूरी ताकत से जवाब दीजिए और उनसे पूछिए कि ये हमें मत समझाओ कि इस्लाम शांति का धर्म है और ये जो नैरेटिव हमारे पूर्वजों ने हमें दिया कि सारे धर्म बराबर हैं, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। हम अपने लोगों को ये बता नहीं पाए कि धर्म और मजहब में फर्क होता है। धर्म अनादि काल से होता है, ब्रह्मांड का हिस्सा होता है। मजहब पैदा होते हैं, मजहब खत्म होते हैं। मजहब और धर्म जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हमने मजहब को धर्म बना दिया। ऐसे ही सेकुलरिज्म का हमने झूठ बोला। सेकुलरिज्म का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, लेकिन हमको बताया गया धर्म निरपेक्ष। ये देश धर्म निरपेक्ष जिस दिन हो जाएगा आहाकार मच जाएगा। जो धर्म है आपका और मेरा, समाज के प्रति प्रकृति के पीछे, हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे ही कहा गया साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। 70 साल में ये भाई भाई का फ्रॉड, जो लड़ाई हमने आजादी की एक साथ लड़ी, वो आजादी की लड़ाई क्या लड़ाई थी कि लड़ाई के पास जैसे हम आजादी के पास पहुंचे, कुछ लोगों ने कहा हमें मजहब के नाम पे अपना मुल्क चाहिए। तो ये आजादी साथ साथ लड़ रहे थे कि अपने एजेंडे के लिए लड़ रहे थे। लिहाजा कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम बताए हिंदुस्तान हमारा, इससे बड़ा भी दूसरा कोई फॉर्ट नहीं है। अगर कोई बैर सिखाता है, अगर आपस के बीच में कोई लाइन खींचता है तो वो मजहब है, धर्म नहीं है। जैसे ये ब्रह्मांड इटर्नल है, जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के आज तक, दुनिया में अगर कोई धर्म है, दुनिया में उसके मानने वाले कोई हैं तो सिर्फ सनातन है। बहुत लोगों को चिंता होती है, बहुत लोग कहते हैं कि साहब हिंदुओं को क्या करना चाहिए, हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, हमें इसको हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। मेरा उनसे आग्रह है हिंदू राष्ट्र बनाएं, उसकी कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले हिंदू होने का परिचय तो दीजिए भाई। क्या आप सच में हिंदू हैं? क्या सनातन हैं?
जैसे जैसे आप सनातन धर्म की तरफ बढ़ेंगे, अपने ऊपर शर्मसार नहीं होंगे, उन परंपराओं को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत का समाज जिस दिन सनातन की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, जिसकी थोड़ी थोड़ी आहट मुझे नजर आ रही है, अभी तो सिर्फ आपने कुछ करा ही नहीं है, अभी आपके दिमाग में पहला ख्याल आया है, और इसीलिए 2014 से 2019 के बीच में अगर कोई चुनाव हुआ, कोई राजनीतिक बदलाव हुआ, तो वो बदलाव इस समाज के जहन में पहले हुआ, और आपने इस देश में ये वोट देकर नहीं दिया कि मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं दलित हूं, मैं यादव हूं। पहली बार इस देश में वोट लोगों ने राष्ट्रवाद के नाम पे और राष्ट्रवाद के खिलाफ दिया। इसलिए इस देश में जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ेगा, आपको कोई 56 AK-56 और AK-47 नहीं उठानी, आपको किसी का गला काटने नहीं है, कि डरिएगा मत। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और जो मेरी माए बहने बैठी हैं उनसे खास तौर से एक बात मुझे कहनी है, क्योंकि कुछ चीजें चल रही हैं, समय कम है। जो माए हैं अपनी बेटी जिसने हाई स्कूल कर लिया है, ये मान के चले कि वो आपकी बेटी से ज्यादा आपकी दोस्त है, उस बेटी के साथ बैठे, कुछ नहीं करना है, उसके मन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, उसके साथ साझा करें, कुछ नहीं करना है, उसको समझने की कोशिश करें एक दोस्त के नाते। अगर मां नहीं समझेगी, पिताजी के पास टाइम नहीं होगा, तो पंचर जोड़ने वाला उसको समय देगा और एक घटना घट जाएगी। उसमें आपको दुर्गा बनाया है, उसमें आपको लक्ष्मी बनाया है, उसने आपको सरस्वती बनाया है, या आपको क्या गलत फहमी हो गई है, ये कौन सा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ये कौन से एजेंडे तैयार किए जा रहे हैं बिग बॉस की तरफ से, खास सोच के साथ कुछ इस देश में प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं कि जो बच्चियां उनको देखें उनको कैसे भटकाया जाए। आप सिर्फ अपने ऊपर गर्व कीजिए, जो दिल चाहे पहनिए, जो दिल चाहे खाइए, लेकिन आप जिस संस्कृति के बाहक हैं, मेरी बहनों और बेटियों, में आपसे सिर्फ इतना दरखास्त करता हूं, किसी के लिए अपनी पहचान मत बदलिए। अगर कोई आपको चाहता है उससे वो अपनी पहचान बदले, हम अपनी पहचान तुम्हारे लिए नहीं बदलेंगे। हमारी संस्कृति का जो पूरा खाका है, पैदा होने से लेके अंतिम तक, उसमें वृद्धाश्रम की जगह नहीं है। कोशिश कीजिए कि इस देश में वृद्धाश्रमों की गिनती कम होना शुरू हो, यह हर दिन बन रहे हैं। जिन लोगों के सर के ऊपर अपने बुजुर्ग माँ बाप का साया नहीं होता, उनसे पूछिए जाके जरा, आप खुश नसीब लोग हैं कि आपके ऊपर वृद्धों का साया है। आप भले ही वो कुछ न करें, उनकी मौजूदगी आपको ताकत देती है। एक बार सोचिए कि अगर वो वृद्धाश्रम जाएंगे तो उनके मन की आपको दुआएं नहीं मिलेंगी। आपकी महिलाएं यहां की सोना बहुत पहनती हैं, यहां तो जौहर करने वाली महिलाएं, सोना पहनिए, अपने परिवार पे कभी भी कोई संकट आए उसके लिए सोने को रखिए। लेकिन समय है, राष्ट्र के प्रति जो खतरे हैं वो सरकार नहीं बता पाएगी, वो समाज को लड़ने होंगे। मैं महिलाओं से कहता हूं, उस सोने को पहन करके सड़क पे निकल करके जो जिहादी खड़े हैं, उनको इस बात का मौका मत दीजिए कि सोने की वजह से वो आपकी जान ले लें। कुछ सालों के लिए आप कहिए कि सोना हमारे पास है, हमारे घर परिवार में आने वाले संकट के लिए है, लेकिन कुछ दिन के लिए लोहा पहन के देखिए, आसपास कोई नहीं भटकेगा। मुझ पे बहुत सारे आरोप लगते हैं, ये कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मंत्री जी को जाना है, बहुत बार कहा गया कि आप तो आरएसएस के मंचों पे जाते हैं, आप उनका प्रोपेगेंडा करते हैं, आप आरएसएस के एजेंट हैं। मैं इस बात में ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं जहां पला बढ़ा हूं, वहां से दिल्ली तक के सफर में मुझे आरएसएस की फुल फॉर्म नहीं पता थी, मैंने कभी शाखा नहीं देखी। सुनता रहा हूं
लेकिन इस सब के बावजूद भी कहता हूं, जो लोग अपोलोजिस्टिक होते हैं, अगर मैं आरएसएस का एजेंट माना भी जाता हूं और लोग कहते भी हैं, तो आरएसएस के एजेंट बनने में फिर भी मुझे फक्र है। कम से कम मैं लश्कर ए तैयबा का एजेंट नहीं हूं, मैं जैसे मोहम्मद का एजेंट नहीं हूं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनकी इस सत्ता और व्यवस्था के अंदर इतनी जड़ें मजबूत हैं कि जितना पाकिस्तान और बांग्लादेश परेशान नहीं है, उससे ज्यादा लोग इस देश में धारा 370 और 35A से परेशान हैं। ये चुनौतियां हैं जो आपके बीच में हैं। समय कम होने के कारण मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बात के लिए फिर मुबारकबाद देता हूं कि आप जैसे जागरूक लोग जहां इतनी गर्मी में शुद्ध रूप से मुझ जैसे आदमी को सुनने आए हो, न मैं आपके लिए कोई योजना की घोषणा कर सकता हूं, न मेरे पास कोई ताकत है, न मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बात अगर आपके दिल में लगती है तो हर आदमी जो यहां बैठा है, हो सकता है मेरी पूर्ण बातों से आप सहमत ना हो, लेकिन इतना मुझे जरूर है कि मैंने कोई बात किसी को छोटा किसी को बड़ा करने के लिए नहीं कही है। मेरी सारी बातचीत के बारे में जो भी कुछ केंद्र बिंदु है वो सिर्फ राष्ट्र है, क्योंकि मैं कई साल 12 साल पाकिस्तान भी रहा हूं और कई जगह नौकरी भी मैंने की है। मुझे जो बारी खतरे हैं उन खतरों के प्रति माओ को, बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को, सबको, एक एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी जो आपने 70 साल से नहीं की थी, कम से कम अब यह भाव पैदा हो गया है, पूरी ताकत से करें, तब यह राष्ट्र बचेगा। और राष्ट्र बचेगा तो हम बचेंगे। सत्ता आएंगी सत्ता जाएंगी वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राष्ट्र एक बार मजबूत हो गया, राष्ट्र के लोग चेतन हो गए, तो सत्ता पे वही बैठेंगे जो राष्ट्र की बात पहले करेंगे, बाकी अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।